हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम एक ऐसे डिश बनाने वाले हैं जिसको खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी क्रीमी और टेस्टी है कि आप उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। और इस डिश को हम बनाएंगे परवल से। जी हाँ, परवल, जिसका नाम सुनते ही लोग मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं परवल का कोरमा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, सबसे पहले हम परवल को छील लेंगे। हमें इस तरह से छीलना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा छिलका रहेगा और थोड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद इसके आगे और पीछे दोनों के भाग को हल्का हल्का कट कर लेंगे ताकि इसमें नमक और मसाले अच्छे से जा पाए। सभी परवल में हम इसी तरह का कट लगा देंगे। इसके साथ ही हमें कुछ मसाले चाहिए, जिसमें हम प्याज को छील लेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे, हरी मिर्च लेंगे और थोड़े से काजू लेंगे। इन सब का हमें पेस्ट बनाना है। इन सबको एक साथ हम मिक्सी में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए, इसके बाद हम इसमें एक एक करके सारे परवल को डाल देंगे। इनको थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब नमक हल्दी डालकर हम इसे धीमी आंच में अच्छे से भूनेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक परवल अच्छे से भून नहीं जाते हैं और ये पूरे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परवल बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। इनका कलर पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसके लिए कढ़ाई में जो तेल बचा है उसमें हम थोड़ा सा और सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद जो हम मसाला तैयार किए थे उसको डाल देंगे। ये मसाला का जो पेस्ट है ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी डाल देंगे। अब इस मसाले को हमें धीमी आंच में बहुत ही अच्छे से भूनना है। यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे। हल्दी हम पहले भी परवल में डाल चुके हैं, इसलिए हल्दी थोड़ी सी ही डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, इसे भी ध्यान में रखकर डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे। जब हमारे मसाले लगभग भून जाए और इसे तेल अलग होने लगे, इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही को हम पहले अच्छे से फेंट लेंगे, इसके बाद ही इसमें डालेंगे। ध्यान रहे, दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। दही डालकर इसको हम पूरा एक मिनट तक चलाते रहेंगे। इस तरह करने से दही फटती नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले के साथ दही कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। दही से भी थोड़ा थोड़ा तेल अलग होने लगा है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं तो कोरमा में मिठास ज़रूरी है, इसलिए चीनी आप इसमें ज़रूर डालें। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने ही ज़रूरत के अनुसार डालें, आपको जैसी ग्रेवी खानी है। इसके बाद ग्रेवी में जब उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें परवल को डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला को हम कूट कर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आँच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे धीमी आँच में 2 मिनट तक और पका लेंगे। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा परवल का बहुत ही टेस्टी कोरमा बनकर तैयार है। आप इसे चावल, रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।